अगर आपके पास एक DSLR है या फिर आपके फ्रेंड के पास या फिर फैमिली मेंबर किसी के पास अगर DSLR है और आप उनको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे ऐसे 6 एसेसरीज जो आपका DSLR के लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है AK मिश्रा, आप सभी का स्वागत है AK रिव्यूज में। लेट्स बिगिन। एसेसरीज लिस्ट को हम प्राइस वाइज उसको डिवाइड कर देते हैं और ऐसे 6 एसेसरीज हम देखेंगे जो कि बहुत जरूरी है एक DSLR के लिए। DSLR के साथ साथ अगर वो 6 एसेसरीज भी आपके पास है तो आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और अपना DSLR को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे मैं उसके लिए कुछ एक लिस्ट बना दिया हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं लेंस हुड। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। लेंस हुड कुछ इस तरह से दिखता है। लेंस में फिट करने के बाद कुछ इस तरह से ये हो जाता है। इससे काफ़ी मदद मिलता है एक लेंस को। सबसे पहला इसका काम है, जैसे कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, सनलाइट हो या फिर डायरेक्ट सनलाइट हो या फिर अंडर रूम कंडीशन में भी अगर इंडोर का लाइटनिंग जो है अगर वो जो लेंस में पड़ता है ग्लेयर दिखने को मिलता है, जो कि बहुत बेकार लगता है आपका वीडियो में या फिर इमेज में। तो उसको ये सबसे पहले तो ये प्रोटेक्ट करता है, जैसे लाइट फ्लेयर या फिर सन ग्लेयर इसके ऊपर आता है तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है। और सेकेंड थिंग्स जो कि बहुत ज़रूरी है, जैसे आप इसको नेक में हैंग किए हैं और कहीं लाते ले जाते वक्त अगर ये कहीं टकराता है तो लेंस हुड में लगता है, लेंस आपका सही सलामत रहता है। लेंस हुड जो है ये बहुत ज़रूरी एसेसरीज है और आप इसको हो सके तो सारे लेंस में आपके पास जितने भी लेंस है उसके लिए एक लेंस हुड लगा दीजिए। और ये नॉर्मली 150 से 350 के बीच में हो जाता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और यहाँ पर भी कुछ इमेज शो कर दूंगा जो जिससे कि आप देख के समझ सकें। और अभी सेकंड में जाते हैं यूवी फिल्टर। हम इसको अपने लेंस में इस तरह से फिट करते हैं। यूवी फिल्टर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये इस तरह से रहता है कि यूवी फिल्टर जो कि पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है, आप इजीली इसको अपने लेंस में फिट कर सकते हैं। नॉर्मली आपको इमेज में या फिर वीडियो में आपको ऐसे कुछ फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका मोबाइल में जैसे आप लेमिनेशन करते हैं उस हिसाब से ये लेंस को प्रोटेक्ट करता है। जैसे आप खाली आंख में अगर देख रहे हैं और आप अगर नॉर्मल ट्रांसपेरेंट एक ग्लास भी यूज़ करते हैं और ड्राइव कर रहे हैं तो जो भी डस्ट या फिर कुछ भी हो जो अगर आपका आंखों में लगता है तो आपका आंखों में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वो ग्लास उसको ब्लॉक कर देगा। सेम इसी तरह ही लेंस के सामने एक ट्रांसपेरेंट रहेगा। अगर आप कहीं सी बीच में या फिर डस्ट एरिया में या फिर सैंड एरिया में अगर जा रहे हैं तो लेंस को आपको इफेक्ट थोड़ा नहीं होगा। तो ये उसका मेरे को मेन बेनिफिट लगा। बट नॉर्मली जो आप वेबसाइट में देखेंगे बहुत सारे लिखा रहता है कि इससे आपका इमेज क्वालिटी डेवलप हो जाएगा, सन का रे जो यूवी रे उसको प्रोटेक्ट करता है, बट मुझे ऐसे कुछ इसमें देखने को नहीं मिला। ये नॉर्मली 200 से 900 के रुपीज़ के बीच में आ जाता है। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप हमेशा अमेजन बेसिक का जो आता है यूवी फिल्टर आप उसी को यूज कीजिए। बट वो नॉर्मली आपको 850 890 ऐसा दिखाएगा, आप उसको सिंपली एड टू कार्ट करके रख दीजिए। वो जब 299 और बिलो 300 रहेगा तो तब आप उसको बाय कर सकते हैं। ये बेस्ट है। मैं दूसरे कंपनी का भी यूज़ किया हूँ बट मुझे अमेजन बेसिक जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं ND फिल्टर। ND फिल्टर बहुत ज़रूरी एसेसरीज है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में अगर शूट कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपका जो ब्राइट एरिया रहता है वो बहुत ख़राब होता है। अभी मेरे पास ND फिल्टर नहीं है इसलिए मैं आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको इमेज लगा दूंगा, आप देख सकते हैं, और नीचे लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो वो उसका मेन फंक्शन ये सेम यूवी फिल्टर जैसे ही दिखता है, बट उसका मेन फंक्शन क्या रहता है, जैसे डायरेक्ट सनलाइट में आपका ब्राइट लाइट हो जाता है तो आप उसको अपना उसको कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में अगर देखेंगे और आप सनग्लासेस लगा के देखेंगे जो डिफरेंस आपका रहेगा, आपका आंखों में जो प्रोटेक्शन रहेगा, सेम काम एनडी फिल्टर काम करता है। और ये भी दो वेरायटी के आते हैं, एक रहता है वेरिएबल जो कि आप एक ही फिल्टर में आप उसको वेरिएबल उसको घुमा के चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं डार्कनेस को। और जो और एक आता है जो कि अलग अलग रहता है अलग अलग शेड के लिए, तो आप वेरिएबल ले सकते हैं, वो काफ़ी बेटर है। वो नॉर्मली आपका 1500 से 3000 के रुपीस के अंदर आ जाती है। अब फोर्थ पॉइंट में आते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है और वो है एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड। आपको हमेशा एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड कैरी करना चाहिए। मेमोरी के ऊपर हम कुछ खास डिपेंड नहीं कर पाते, वो कब करप्ट हो जाते हैं क्या होते हैं, और नाम का सिर्फ उनका वारंटी रहता है बट रियल वर्ल्ड में उसका कुछ भी फायदा नहीं होता है। तो आप हमेशा एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड कैरी कीजिए। मेमोरी कार्ड यूज करते समय आप हमेशा
क्लास 10 का लीजिए, क्लास 10 का मेमोरी कार्ड जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर सकता है। और अगर आपका नॉर्मली 180p पे अगर 60fps पे रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर बिलो 60fps से रिकॉर्ड कर रहे हैं, 80mbps स्पीड वाला एनफ होगा। नॉर्मली वो 469 से 21,000 तक वेरीज करते हैं आपका कैपेसिटी के वाइज। बट मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप बिलो 180p पे अगर शूट कर रहे हैं तो आप 80mbps स्पीड वाला ले सकते हैं, जो कि 64GB को जो 64GB तकरीबन 1200-1300 रुपये में अवेलेबल हो जाता है। और अगर आप 4K वीडियो शूट करते हैं और रॉ में कंटिन्यूस शूट करते हैं, उसके लिए आपको 95mbps वाला लेना पड़ेगा, जो कि 64GB 2200 और समथिंग में आता है। ये मोर देन एनफ है, आप अगर ऐसा एक्स्ट्रा कैरी कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा है। और मेमोरी के ऑप्शन में मैं और एक पॉइंट बता दूँ, अगर आपको हमेशा एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी बहुत ज़रूरी है, ये आपको बिलो 6000, 2TB का बिलो 6000 और 1TB का बिलो 3000 में अवेलेबल मिल जाएगा ऑनलाइन मार्केट में। जो भी आप प्रेसियस मोमेंट को कैप्चर करते हैं उसको आप खोना नहीं चाहेंगे, और कोई भी क्लाउड सर्विस के ऊपर हम थोड़ा ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले सकते हैं, आप उसमें आप अपना प्रेसियस मोमेंट को कैप्चर करके उसमें स्टोर कर सकते हैं। लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ जाते हैं, जो कि है ट्राइपॉड। बहुत लोगों को मैं देखा हूँ कि वो नॉर्मल हैंड में लेके फ़ोटो क्लिक करना पसंद करते हैं, ये सभी को अच्छा लगता है, बट ट्राइपॉड का काम जो है वो काफ़ी स्टेबल एंड स्टेडी है। तो ट्राइपॉड ऐसा चूज़ करें जो कि आपका लेंस के साथ बॉडी का DSLR बॉडी को इजीली हैंडल कर पाए। ऑनलाइन बाय करने से पहले या फिर ऑफलाइन बाय करने से पहले वहाँ पर आप उनका कैपेसिटी जरूर चेक कीजिए। उसका एक अंदाजन अगर हिसाब में बताऊँ तो आपका DSLR प्लस लेंस जो आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए वो 1kg है, तो आप हमेशा 2-3kg कैपेसिटीज वाला ट्राइपॉड को चूज़ कीजिए, तो वो काफ़ी बेटर है। और अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो अमेजन बेसिक आप यूज़ कर सकते हैं, मैं भी अमेजन बेसिक यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे को तकरीबन 1200-1300 रुपये समथिंग कुछ पड़े थे। आप 15GB यूज़ कर सकते हैं अगर आपका मिररलेस कैमरा या फिर नॉर्मल DSLR है, और अगर आप हैवी लेंस के साथ यूज़ करते हैं तो फिर आपको थोड़ा मेन फोटो या फिर ऐसे कुछ यूज़ करना पड़ेगा, या फिर कोई भी कार्बन फाइबर मटेरियल का यूज़ करना पड़ेगा। और ट्राइपॉड की बात करें तो ये तो रहा हमारा जो स्टूडियो ट्राइपॉड रहता है, जैसे कि हम आउटडोर इंडोर कहीं पर भी रख के इसमें स्टेबल शूट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग के लिए आप मेन फोटो या फिर गोरिल्ला ट्राइपॉड ले सकते हैं, जो कि नॉर्मली 1000 से लेकर 3000 के बीच आ जाते हैं। और अगर आपका स्टूडियो सेटअप है या फिर आप आउटडोर में नॉर्मली क्लिक करना चाहते हैं या फिर एक जगह कंस्टेंट रख के शूट करना चाहते हैं, तो आपके लिए नॉर्मल हाइट 15-16 वाला ट्राइपॉड बेस्ट होगा। ये तो हो गया बहुत ज़रूरी एसेसरीज के बारे में। अब आ जाते हैं थोड़ा एक एक्स्ट्रा बोनस, जो कि है डेकोरेटिव्स के लिए। ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ओरिजिनल रियल फील होता है, बट ये है एक डोमी, इसमें आप इजीली अपना चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। तो ये भी एक गिफ्ट देने के लिए या फिर अपने डेस्क पे शो करने के लिए काफ़ी अच्छा है, और ये बिलो 250-200 रुपीस में अवेलेबल ऑनलाइन मार्केट में मिल जाता है, तो इसे भी आप ले सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप DSLR का सेटिंग्स, मोबाइल कैमरा का सेटिंग्स, ये सब के ऊपर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके इसी तरह आगे और भी वीडियो लाते रहेंगे।